फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 8 का पढ़ेंगे अमरुद का पेड़, जिसके लेखक का नाम है ज्ञान रंजन। इसमें अमरुद के पेड़ की विशेषता और उससे जुड़ी कहानियों को बताया गया है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पाठ वाचन करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, साथ ही साथ विश्लेषण करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर है कि घर के सामने अपने आप ही उगते और फिर बढ़ते हुए एक अमरुद के पेड़ को मैं काफ़ी दिनों से देखता रहा हूँ। केवल देखता ही नहीं, इसे देखने में और भी चीज़ें शुमार हैं। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि अपने घर के आसपास के अमरुद के पेड़ों को उगते हुए मैं देखता रहा हूँ और केवल देखा ही नहीं, इससे जुड़ी कई बातें जुड़ी हुई हैं। 3-4 साल में बड़े हो जाने, फूलने और फल देने के बाद भी इसकी ऊंचाई गंधराज या हरसिंगार के पेड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ी। शुरू में तो परिवार के सभी लोगों ने उसके प्रति उदासीनता ही रखी, या यूँ कहूँ लापरवाही बढ़ती तो गलत नहीं होगा। राम भरोसे पेड़ जब बड़ा हो गया और हमारे मकान का फ्रंट मतलब आगे का हिस्सा जब भरा भरा लगने लगा, तो सबसे पहले बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी ने एक दिन टोका कि पश्चिम की तरफ अगर मकान का मुखड़ा हो और सामने ही अमरुद का पेड़, तो राम राम बड़ा अशुभ होता है। पेड़ को लेकर के भी बहुत सारी बातें, अंधविश्वास तो हमारे समाज में बहुत तरह से फैली हुई हैं। और यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से अमरुद का पेड़ जो अपने से बढ़ गया था, कि बिना किसी सेवा सत्कार के, बिना खाद पानी के, वो बढ़ता चला गया था और बड़ा हो गया था। जब बड़े हो गया और उसकी छाया काफ़ी सुकून देने वाली थी, तो उनके घर के पास की जो बाबू कन्हैया लाल की बूढ़ी पत्नी थी, वो उसे अशुभ करार देने के लिए उतावली हो रही थी और सबको बता रही थी। अम्मा के चेहरे पर थोड़ा सा भय अपने कुनबे के लिए आया, कुनबा मतलब परिवार होता है, कि थोड़ा सा भय अपने परिवार के लिए आया कि अगर यह अशुभ है तो मुझे इस पेड़ को हटा देना चाहिए। पर मुझे विश्वास था कि इन सब पिछड़े ख्यालातों का हमारे घर में गुजर नहीं हो सकेगा। लेखक बता रहे हैं कि इनके घर में सभी आगे सोचने वाले व्यक्ति थे, इसलिए अंधविश्वासों पर ये भरोसा नहीं करते थे, इसलिए वो बूढ़ी औरत की भी बात पर लोग भरोसा नहीं करेंगे। माँ अजमेर में जेल कर चुकी हैं, लंबा जेल। लेखक की माँ बता रहे लेखक यहाँ कि उनकी माँ अजमेर में, राजस्थान में जो एरिया पड़ता है, तो वहाँ जेल वो जा चुकी हैं स्वतंत्रता संग्राम में। सत्याग्रह के दिनों में पिताजी खुद राजनैतिक सामाजिक उदारतावादी आदमी हैं। हमारी एक बुआ ने विवाह नहीं किया और पढ़ने लिखने में ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी डुबो दी। मतलब परिवार जो है इस आधुनिक ख्यालों के हैं, इसलिए अंधविश्वासों की दुनिया से वो बिल्कुल परे हैं। किसी के अशुभ और अशुभ मानने पर वो विश्वास नहीं करते हैं, और समाज उन्हें कोई चुनौती देने का साहस नहीं कर सका। इनकी एक बुआ अविवाहित रही, पढ़ने लिखने पर ही अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। एक को छोड़कर हम सभी भाइयों में खिलाड़ीपन है। जितने भाई हैं सारे एक कुल को अगर छोड़ दिया जाए, तो सभी खेल कूद में मन लगाने वाले मनमौजी किस्म के आदमी हैं। चचेरे ने अंतर जातीय विवाह, प्रेम विवाह किया है, और मुझे तरस आ गया कि कन्हैया लाल बूढ़ी पत्नी कैसी बेहुदा फूहड़ बात कहती है। उस ज़माने की बात लेखक बता रहे हैं कि जिस समय प्रेम विवाह का घोर विरोध किया जाता था, उस ज़माने में लेखक के फैमिली में से प्रेम विवाह को प्रोत्साहन दिया गया और प्रेम विवाह किया गया। बुआ अविवाहित रह करके अपने पढ़ाई लिखाई में ही अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया, और माता जेल जा चुकी है, पिता भी सत्याग्रही हैं, तो ऐसे परिवार को वो शुभ और अशुभ की बातें बता रही हैं कन्हैयालाल की पत्नी, तो लोग कैसे स्वीकार करते हैं। खैर, यह तो ऊपरी बात हुई, लेकिन मैं अक्सर पाता कि अंदरूनी तौर पर भी हम सभी लोगों में कहीं पिछड़ेपन की भर्त्सना का भाव अंकुरा रहा है। वैसे अम्मा की प्रीतिकर सुंदर और मुखाकृति पर अमृत के प्रसंग में हमेशा भय की व्याप्ति हो आती थी। अक्सर ऐसा होता था कि माँ के मन में यह डर कभी कभी घर कर जाता था कि हो ना हो यह अमृत का पेड़ हमारे लिए अशुभ है। 1957 की बरसात में अकस्मात एक दिन मिद्दू ने सबको दौड़ दौड़ कर बताया कि अमरुद में 3-4 सफ़ेद फूल आ गए हैं। अमरुद के फूलों को आपने देखा होगा, वो सफ़ेद कलर के होते हैं, तो वो जो अमरुद अपने आप पड़ गया था, जिसे अशुभ मानने की बात हो रही थी, उसमें 3-4 फूल आ गए थे सफ़ेद कलर के। मिद्दू की उम्र बढ़ रही थी, उसकी आकृति पर वय का ओप चढ़ रहा था। वय मतलब बुढ़ापे का लेयर चढ़ रहा था।
अमृत बढ़ने में कहीं उसे अपने विकास की सी संतुष्टि अनुभव हुई होगी। अमृत जैसे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था मृत्यु जब आया बताने के लिए तो ऐसा लग रहा था कि उसके बढ़ने से इसे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। वह खुश था थी। वह बरामदे की खिड़की पर तेज बारिश में हम लोग छोटे से पप्पू को खड़ा कर या बताते कि वो देखो पप्पू बेटे अमृत का फूल। छोटे से बच्चे को बताया जाता बार बार कि वो देखो अमृत का फूल उस तरह का होता है, वहाँ लगा हुआ है अमृत का फूल। मैं सोचता कि कहीं पानी के झोंकों में नरम फूल ना टूट जाएं। बहुतेरे फूल टूटे भी लेकिन उनकी जगह नए फूल आते गए और फिर जल्दी से बीत जाने वाले सुखद दिनों में छोटे छोटे अमरूदों में बदल गए और वो अमृत के फूल देखते देखते फल के रूप में भी परिवर्तित हो गए। मुझे लगा कि हमारे घर के सामने का यह अमृत हमारी ज़िंदगी का एक घरेलू हिस्सा होता जा रहा है, फैमिलियर होते जा रहा है। वह पेड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। घोष बाबू के माली ने माँ को बताया कि पहली फसल के फल तोड़कर फेंक देने से दूसरी बार में फल खूब और अच्छे आते हैं। कि पहली फसल जो लगाई जाती है और पहली फसल जो उसकी होती है उसको तोड़ दिया जाए तो फसल काफ़ी अच्छी होती है अगले बार की। अमरुद और नींबू के साथ बात खास लागू होती है। माँ ने विजय से कहकर अमरुद की पहली फसल बड़ी दिलचस्पी से पूरी बाढ़ के पहले ही तुड़वा कर फेंकवा दी थी कि जो उसका फल हुआ था उसे उन्होंने फेंकवा दिया था पहला फल को। यह बात आसानी से महसूस की जा सकती थी कि माँ में विराट मातृत्व है और वह भविष्य के लिए प्रतीक्षा कर सकती है कि तत्कालिक सुख जो मिलता चार पांच अमृत के खाने से तो उसके लिए वो चाहिए कि इससे ज़्यादा हमें मिल सकता है। इसलिए वो पेशेंस उसमें था, धैर्य था, इस कारण से पहले फल को उन्होंने तुड़वा कर फेंकवा दिया था ताकि अगले वर्ष इसमें फल काफ़ी ज़्यादा आए। उसी तरह जैसे हर माँ अपनी संतान के लिए दीर्घ प्रतीक्षा किया करती है और फिर भी उसको अपना स्वप्न अधूरा लगता है। जो भी हो, मुझे प्रसन्नता हुई कि अपशकुनी विश्वासों की जहरीली छाया हमारे कोमल मीठे अमृत तरु पर नहीं पड़ी। तरु मतलब पेड़ होता है। कि कितना भी लोगों ने कहा इसे अशुभ बताया, अपशगुन बताया, लेकिन हमारे परिवार के किसी लोगों ने इस तरह से अमृत को तिरस्कार नहीं किया और वह ज्यों का त्यों बढ़ता गया और फल फिर उसमें फूल और फिर फल आने शुरू हो गए। तोते का पिंजरा सुबह दरवाज़ा खुलने के साथ ही अमृत की एक छोटी सी टहनी पर टांगा जाने लगा था। लेखक के यहाँ तो पिंजरा भी था, तोता भी था और सुबह होते ही उसे अमृत के पेड़ पर टांग दिया जाता था। वह दोपहरी तक उस पर टंगा रहता। चुन्नू, मिद्दू और पप्पू ने फुर्ती से नाजुक फुनगियों तक चढ़ने की माहिरी इसी पेड़ से प्राप्त की। कि जो पौधे पेड़ पर बच्चे लोगों को चढ़ने का शौक़ होता है तो उनके घर में जो बच्चे थे वो भी ऐसे ही उस पर चढ़ने का प्रयास करते थे और सीखते थे। दशहरा, दिवाली, तीज त्यौहार पर दीदी की जीभ जब सूरन खाने को ललचती तो अमरूद की पत्तियों में सूरन पकाकर स्वादिष्ट बनाने वाली ज़रूरत की पूर्ति भी वही पेड़ करता था। उनकी पत्तियों को चबाने से भी वो काफ़ी उसका स्वाद जो होता है वो मीठा होता है तो उनकी नाजुक नाजुक पत्तियों को भी लोग चबाया करते हैं। औषधि का भी काम करता है और मुँह के टेस्ट को भी बदलता है। कहते हैं कि अमरुद की पत्तियों में सूरन को पकाने से सूरन गले में काटता नहीं है। लगने लगा था कि अमरुद का पेड़ जो हमारी एक बड़ी सुविधा है या हमारे अंदर आत्मीयता को निरंतर धनिक बनाने वाला कोष। अमरुद का पेड़ अब एकदम परिवार का हिस्सा व घरेलू होता जा रहा था। उसकी पत्तियां, फल फूल सभी कुछ लेखक के फैमिली वाले के लिए, परिवार वाले के लिए काफ़ी उपयोगी और लाभदायक हो रहे थे। दूसरे बरस के जाड़े में पेड़ खूब लदा फदा था। पहले वर्ष का तो फल जो था उसकी माँ ने फेंकवा दिया था और दूसरे बरस का जो पेड़ था, फल लगे थे, वो काफ़ी ज़्यादा लगा था। अमृत गोल, छोटे मगर ललच्छर चित्तियों वाली जात के थे। उसमें चित्तियाँ थी और उस तरह के जात के थे। अमृत के भी बहुत प्रकार होते हैं तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर इसके प्रकार को बताया है। ढेपियाँ मुलायम होते ही लोग उन्हें तोड़ लेते और पूरे जाड़े जी भरकर घर में टमाटर और अमरुद का सलाद खाया गया। सुग्गे के लिए कई महीने खूब पके अमरुद उपलब्ध होते रहे और बाहर के मेहमान हमारे घर के अमरुदों में इलाहाबाद के अमरुदों की प्रसिद्धि का इत्मीनान कर लेते थे। बाहर वाले लोग, इतना मीठा वो अमरुद था कि उसे खाने के लिए सबका जी ललचता था और बाहर वाले भी आ जाते थे खाने के लिए। यह बात मुझे बहुत रोमांचित करती थी कि हमारे घर तथा निकटतम संबंधियों के यहाँ नई पीढ़ी काफ़ी बड़े अनुपात में आधुनिक हो चली है।
मुझे मन स्थितियों और वातावरण की इस तब्दीली का अध्ययन बड़ा सुखद लगने लगा। हम में दृष्टिकोण की उदारता परिलक्षित होती और किसी भी घटना या आकस्मिकता या एक संपूर्ण परिस्थिति को हम लोग अनहोनी नहीं मानते थे। जीवन में जब सहज है सब संभव है। आधुनिकता की भी बात यहाँ पर ज्ञान रंजन कह रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर का जो माहौल था वो पुरानी परंपराओं में ढला हुआ नहीं था, उनका फैमिली काफ़ी आधुनिक था। अमृत की छाया में बेंच की कुर्सियों पर बैठे चर्चाएं कर करके हम तीन चार भाई बहनों ने अपने उम्र के फ़र्क को दोस्ताना हरकतों से भर दिया। वही अमृत का पेड़ छाया देने वाला भी बना और लोगों के बैठ करके बातें करने के लिए एक मंडली भी वहाँ बनाई जाने लगी। प्रायः बैठकर नए नए विषयों को कुरेद कर कभी ताप और उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत करना तेजी से हम लोगों के मनोरंजन और दैनिक निर्वाह का एक अंग होता जा रहा था। जिस पेड़ को तिरस्कृत किया गया था बचपन में, वही पेड़ आज उसे छाया दे रहा था और लोगों का बैठने का एक स्थान बन गया था। मैंने महसूस किया कि घर के बुजुर्गों के बारे में हम लोग अक्सर तुर्ष भी हो उठते हैं, लेकिन हमें इस बात की निश्चिंता थी कि ऐसा होने में अवांछनीय कुछ भी नहीं है, अपितु यह अच्छी बात है। नई चीज़ें यूं ही बनती हैं। जैसे अमरूद का पेड़ हम लोगों के बीच अपशकुन के आरोपों को नष्ट करता हुआ धीरे धीरे बना और अब पूरे परिवार का एक खूबसूरत हिस्सा हो गया है। यहाँ पर सब लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से जिसे अपशगुनी माना जा रहा था और अगर ऐसा मान करके फैमिली वाले परिवार वालों ने उसे निकाल दिया होता वहाँ से, तो शायद आज वह फलदार और छायादार वृक्ष नहीं बना होता, शायद वहाँ वह स्थान खाली होता, शायद उस स्थान पर उनके भाई बहनों की मंडली नहीं बैठती। कहानी बहुत लंबी है तो हम लोग इसको दो पार्ट में करेंगे। तो आज का पार्ट हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।